हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप चेक के ऊपर एज अ ट्यूटर काम करें या फिर एज अ एक्सपर्ट काम करें, तो उसका क्या कंप्लीट प्रोसेस है और क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है चेक के, मतलब किस तरीके से आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं अपना अकाउंट अगर वो ब्लॉक हो गया है, तो वो आप उसको चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसको लिंक मिल जाएगा। चेक एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही बड़ी है और बहुत दिनों से काम कर रही है इस फील्ड में। मतलब ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे वो ज़्यादा ग्रो कर रही है, वो काफ़ी टाइम से काम कर रही है। तो इसलिए आप उसके साथ डेफिनेटली जुड़िए, क्योंकि मतलब एक अच्छा ब्रांड है, आपको किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। लाइक हमेशा उनके जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आपकी पेमेंट की कोई इशू नहीं आती है और हर चीज़ें बहुत ही क्लियर होती हैं वहाँ पर कि किस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ होती है वहाँ पे, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। अब बात करते हैं कि आपको इसमें काम क्या करना पड़ता है। देखिए, इसमें 1 लाख से ज़्यादा एक्सपर्ट्स अभी तक काम करते हैं इसके साथ में। वेबसाइट के साथ में स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट के बच्चे इससे जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये पुरानी है, ऑथेंटिक वेबसाइट है और इनका जो वर्किंग नेचर होता है वो भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसके साथ काम करते हैं। तो इसलिए जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है कि हाँ, आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन मिल जाता है इसमें। इसमें एग्जैक्टली आपको क्या करना होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको सिंपल क्वेश्चंस की आंसरिंग करनी होती है। जैसे आप एक बार सेलेक्ट हो गए एज अ एक्सपर्ट, तो आपके पास क्वेश्चंस आने लगते हैं और आपको सेलेक्ट करना होता है क्वेश्चन कि वेदर यू लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन और नॉट। तो एक बार जब आपने एक्सेप्ट कर लिया उस क्वेश्चन को, तो आपको उसको आंसर करना होता है। या तो आप उसको टाइप कर लीजिए सिंपली, या नहीं तो आप उसकी कॉपी पे सॉल्व करके, फोटो क्लिक करके और फिर उसको पोस्ट कर सकते हैं उस वेबसाइट के ऊपर में। अब डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को। मतलब आपको बिल्कुल इस तरीके से बच्चों को समझाना होता है जैसे कि आमने सामने बैठे हों। जैसे मान लीजिए बच्चे ने आपको MCQs भेजा कि हाँ, ये MCQs, तो सिर्फ आप राइट वाला आंसर लिखकर उसको नहीं भेज देंगे, आपको एक्सप्लेन करना होगा कि वाई इट इज़ राइट। मतलब एकदम अच्छे से कि बच्चा अच्छे से समझ जाए, क्योंकि उसके ऊपर बच्चा आपकी रेटिंग करता है। अगर बच्चा सेटिस्फाइड हो जाता है देन ही गिव्स अ गुड थम्स अप टू यू, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो डाउन थम्स अप देता है, जिसकी वजह से आपकी रेटिंग गड़बड़ा जाती है और यही रीज़न हो जाता है आगे आपके अकाउंट के ब्लॉक होने का। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो स्कोर है, जो ये थम्स अप दे रहे हैं बच्चे, जो आपकी रेटिंग कर रहे हैं, उसको हमेशा मेंटेन करके रखिए। और इसको मेंटेन करने का सिर्फ एक और एक तरीका है कि आप जो क्वालिटी है आंसर्स की उसको हमेशा मेंटेन करके रखें। अब मेंटेन कैसे होगी, जब आप सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे ना, यहाँ पे टोटल 26 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें से आप उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए जिसके ऊपर आपकी कमांडिंग बहुत अच्छी हो। वो सब्जेक्ट हो सकते हैं इंजीनियरिंग के होते हैं, अकाउंट्स के होते हैं, लाइफ साइंस के होते हैं, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, मतलब बहुत सारे, लॉट्स ऑफ ऑप्शन। तो आप हमेशा उसे ही सेलेक्ट करिए जिसमें आपकी कमांडिंग अच्छी हो, क्योंकि उसी के ऊपर आगे आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। दूसरी चीज़ चेक के साथ काम करने की ये अच्छी होती है कि अगर आप कहीं पे वर्किंग हैं, आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, आप पढ़ते हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं, तो मतलब ये बाउंड नहीं करते कि आपको इसी टाइम पे काम करना है। क्वेश्चंस का फ्लो दिन भर आता है, रात भर आता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन आप जब जब चेक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिलता ही जाता है। तो इसलिए कभी भी बाउंड नहीं करते हैं कि आप इतने घंटे मेरे साथ जुड़ करके काम करिए। जब आपके पास फ्री टाइम है आप चेक कर लीजिए, अगर क्वेश्चंस है, आपको समझ आ रहा है, तो आप आंसर करके उसको सबमिट कर दीजिए। लेकिन उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे 10 मिनट्स आपको मिलते हैं कि ये सेलेक्ट करने की वेदर यू वॉन्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन और नॉट, और उसके बाद आपको 1 घंटा दिया जाता है आंसर को क्रिएट करके, फोटो क्लिक करके और फिर पोस्ट करने के लिए। तो आई थिंक एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम तो सफिशियंट है। अब अगर हम लोग बात करें पैसों की, क्योंकि सब लोग ये सारे काम इसीलिए करते हैं ताकि थोड़ी सी अर्निंग हो जाए, अच्छी अर्निंग हो जाए, और चेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आप अगर ज़्यादा टाइम देते हैं, अच्छा टाइम देते हैं, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए इनका जो पेमेंट मेथड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बिना कुछ मतलब इधर उधर बोले करे हुए आपके बिल्कुल टाइम पे फिक्स सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब बहुत ही विजिबल इनका प्रोसेस है, कहीं पे भी मतलब इस तरीके से आपको नहीं लगेगा कि आपके साथ में कोई ब्लफ हो रहा है या फ्रॉडिंग हो रही है, वो सब कुछ बहुत ही फेयर तरीके से करते हैं।
अब मैं बताती हूँ कि एग्जैक्टली कौन से प्रोसेस होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले आप गूगल पे बिकम एक्सपर्ट्स ऑन चेक इस तरीके से करके सर्च करिए और जो फर्स्ट लिंक आपको आएगा आप उसी पेज उसी लिंक को क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करेंगे वो आपको एक पेज पे रीडायरेक्ट करके ले करके जाएंगे जहाँ पर जा करके आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे अपना नाम डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। ध्यान रखिएगा आप जो भी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या नाम दे रहे हैं उन सब चीज़ों की हैंडलिंग आपके पास हो, क्योंकि वो हमेशा मेल करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, तो वो चीज़ें आपसे मिस ना हो पाए। दूसरी चीज़ कि नाम आपको, जैसे अगर आपका नाम कंप्लीट नाम शिप्रा तिवारी है तो आपको शिप्रा तिवारी ही लिखना है। शायद शिप्रा लिख देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्यूचर में जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो वहाँ पे नाम डिफरेंस जाएगा तो फिर वो उसको वहीं पे कट कर देंगे। इस स्टेप को कंप्लीट करके आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप तुरंत दूसरे पेज पे जाते हैं जहाँ पे आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाती है कि वेदर यू आर अ कॉलेज गोइंग और अ कंप्लीटेड और अ ग्रेजुएशन। मतलब इस तरीके से फिर दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपीयरिंग होते हैं या तो फिर ग्रेजुएटेड होते हैं, तो ऑप्शन एक या दो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी पड़ती है, जैसे आपको अपना नाम देना पड़ेगा, यहीं पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और ध्यान रखिएगा गाइस, जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपका कमांड बहुत अच्छा हो उसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हल्के नहीं आते हैं इसमें, क्वेश्चंस की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और इन्हीं सब्जेक्ट का आपको एक टेस्ट भी देना पड़ता है जिसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन डिपेंड करता है, तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करिएगा। इसके बाद इतना प्रोसेस करने के बाद आपको एक लिंक आता है मेल पे जिसमें आपको सब्जेक्ट टेस्ट देना होता है। ये सब्जेक्ट टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है, ओपन बुक टेस्ट होता है, मतलब आप गूगल का इस्तेमाल, फ़ोन का इस्तेमाल, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो 120 मिनट्स देते हैं, तो मतलब आई थिंक इट्स मोर देन सफिशियंट कि क्वेश्चंस का लेवल ऐसा नहीं होता है कि आपको इतना टाइम लगे, तो बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और इसके बाद उनका दूसरा एक कहते हैं कि एक ट्रेनिंग का क्वेश्चन, एक ट्रेनिंग का भी एक क्वेश्चन आता है जिसका टेस्ट देना पड़ता है आपको, एक बुकलेट देते हैं उसको पढ़ करके, और फिर उसका टेस्ट भी आपको उसी टाइम पे देना पड़ता है, और उसको भी क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ कि आपका ये जो टेस्ट है ना, इसको अटेम्प्ट करने के लिए 2 या 3 चांसेस ही मिलते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। और ध्यान देने की बात यह है कि आपको इसमें एटलीस्ट 80%, मतलब सब्जेक्ट वाइज वैसे तो होता है इस सब्जेक्ट के लिए कितना परसेंटेज वो डिमांड कर रहे हैं, बट आई थिंक कि 80% पे ही वो सिलेक्शन लेते हैं। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है टेस्ट में तो फिर आपके पास एक मेल आता है, फिर आपके टेस्ट का मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ऑन द स्पॉट ही रिजल्ट बता देते हैं कि वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके पास तुरंत ही मेल आ जाता है कि येस यू आर क्वालिफाइड। और इसके बाद वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल करते हैं, मतलब आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं वो, इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होती है। और ये सब करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, और फिर मतलब अगर उनके पास तुरंत से प्रोसेस है, तुरंत से वैकेंसी मतलब है उनको नीड, तो वो तुरंत से आपको ज्वाइन करवाते हैं, अदरवाइज़ वो आपको ज्वाइनिंग डेट बताते हैं कि हाँ इस टाइम से आपको अब आंसरिंग करने की परमिशन दी जाएगी। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में तुरंत अकाउंट एक्टिवेट होता है और आंसरिंग करना आप स्टार्ट कर देते हैं। इस वेबसाइट पर काम करने के लिए का सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको लैपटॉप, टैबलेट या इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप सारे के सारे आंसर सिंपली एक मोबाइल फ़ोन, मतलब इवन ये सारे प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब कुछ भी आप सिंपली फ़ोन पे कर सकते हैं, और आंसरिंग तो बहुत ईजिली आप फ़ोन पे हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आप ऑनलाइन काम करने वाले हैं तो आपके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट या डिजिटल पेन इस तरह की चीज़ें हों, इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। अब इसके बाद जब आप आंसरिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो क्वेश्चंस पे आपको स्किप करने का भी एक ऑप्शन आता है, लाइक कि अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा तो आप स्किप करिए। अब स्किप करने के कई सारे वो रीज़न मांगते हैं कि क्या ये स्पैम है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन की, या फिर और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे वो जो ट्रेनिंग देते हैं आपको वहीं पे काम आती है कि आपको क्या सिलेक्शन, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके इस क्वेश्चन को स्किप करना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इसके साथ काम करने की, कि आपके ऊपर बर्डन नहीं होता है कि यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि मतलब अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी चेक के साथ कि चेक के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। चेक के साथ जुड़ने के और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन करके या फिर ट्यूटर बन करके, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ला करके दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आई एम ग्लैड टू आंसर ऑल योर डाउट्स। सो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।